नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईडीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज श्री अतुल कुमार तिवारी जी जो सेक्रेटरी हैं उनसे एक बार फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि सर आपने प्रैक्टिकल में ये किया था तो थोड़ा सा सीबीटी एग्जाम में भी कर दीजिए। क्योंकि क्या है कि हजारों लड़के सीबीटी परीक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि पोर्टल की समस्या के कारण उनका सीबीटी शुल्क का भुगतान पूरा नहीं हो सका है और अब पोर्टल बंद हो गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर कि ये एक बड़ा मुद्दा है कि कुछ छात्रों ने पहले ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा था और उन्होंने CTS AIT परीक्षा 2024 में परीक्षा भी जो है तो प्रैक्टिकल की दी है। मतलब जो लड़के अभी एग्जाम दिए हैं उन्होंने प्रैक्टिकल का परीक्षा दे लिया, उसका फॉर्म भर गया, उसका जो है तो फीस भर गई और सक्सेसफुली हो गए, पर अब पोर्टल की समस्या के कारण उनका सीबीटी भुगतान पूरा नहीं हो सका था उस समय पर। अब पोर्टल बंद हो गया है, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के मामले में SID पोर्टल में प्रैक्टिकल के संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा को ठीक पहले अंतिम दिन पोर्टल खोला गया था। यह आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, आपने मेरी बात को सुना था। इसी तरह से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कदम उठाएं और अपने सक्षम प्राधिकारी से चर्चा करके कम से कम एक दिन के लिए पोर्टल खोलें ताकि CVT भुगतान किया जा सके और छात्रों को 22 अगस्त से 9 सितंबर 2024 के बीच में होने वाली आगामी CVT परीक्षा में वो बैठ सके। अब सवाल ये है सर कि अगर प्रैक्टिकल वालों को मौका दिया गया था तो CVT वालों का भी मौका देना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल में एक दिन के लिए पोर्टल को खोल दिए थे तो फिर CVT को खोल देना चाहिए, यही न्याय है सर। ये नहीं है कि स्टेट के डायरेक्टरों ने चूंकि पैसा ले लिया था प्रैक्टिकल का तो उनका खोल दिया गया और CVT वाला जो है तो ITI वाले के ऊपर है तो उनका जो है तो ना खोला जाए। आप जो है तो लड़कों के बारे में अच्छा सोचते हैं, बढ़िया सोचते हैं, जैसा आपसे चर्चा होती है, तो आपका आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि एक दिन के लिए खुलवा दीजिए, देखिए क्या होता है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें दिक्कत खड़ी हो जाएंगी हमारे पोर्टल पर, लेकिन देख लेने में क्या है। आज 20 तारीख है, 21 तारीख दो दिन बचे हुए हैं, अगर एक दिन भी खुल जाएगा तो बहुत सारे लड़के जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, हजारों लड़के, उनकी जो है तो वो हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ है, जैसे आप कह रहे हो कि हम लेफ्ट ओवर परीक्षा करवा करके 2-3 महीने के अंदर अंदर हम दोबारा परीक्षा करवा लेंगे, लेकिन लड़के लोग जो है तो छात्र लोग इतना इंतज़ार भला कैसे कर सकते हैं। उनकी कोई गलती नहीं होती है, वो तो पहले प्रैक्टिकल परीक्षा दे चुके हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और हम सबकी मदद करें ताकि एक दिन के लिए पोर्टल खोला जाए ताकि CVT शुल्क जमा करके प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। तो यही चीज़ हम आपको आज बताने आए हैं सर और आपसे अनुरोध करने आए हैं कि CVT के लिए बहुत सारे लड़के हैं सर, हजारों लड़के हैं जिनका CVT का फीस टेक्निकल इशू के कारण नहीं जमा है, कई का जमा हो जाने के बाद भी नहीं जमा है और कई का पोर्टल बंद हो जाने के कारण जमा ही नहीं हुआ था। तो जैसे आपने प्रैक्टिकल के लिए एक दिन खोला था वैसे ही आप CVT के लिए खोल देंगे, आशा है कि आप ये चीज़ करेंगे। अब देखिए सर, लड़कों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये सितंबर में जब परीक्षा हो जाएगी तो फिर हो जाएगा। अब लड़के कहते हैं कि सर अक्टूबर में हो या ना हो, नवंबर में हो या ना हो, दिसंबर में हो या ना हो, जबकि आप कहते हो कि हमारी परीक्षा की प्रणाली हर 3 महीने में है, हम एक परीक्षा करवाते हैं फिर 3 महीने में करवा लेते हैं, हर 3 महीने में परीक्षा करवा लें, मैं मान गया, लेकिन लड़के इतना इंतज़ार क्यों करते हैं। हम यहाँ पर किसी ITI के डायरेक्टर के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो मामला है वो छात्रों का मामला है। छात्रों की भला क्या गलती है ना, अगर टेक्निकल इशू के कारण पोर्टल बंद हो गया और पोर्टल पर लड़कों की फीस नहीं चढ़ी और ये अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची। जब लड़के ने प्रैक्टिकल परीक्षा दे लिया है सर तो भाग जाएगा नहीं, उसकी कोई गलती होगी नहीं, वो सक्सेसफुली प्रैक्टिकल की परीक्षा तो दे लिया है तो CVT परीक्षा से वंचित क्यों किया जाए। अगर कहीं बीच का रास्ता होता है तो मान्यवर आपसे अनुरोध है कि आप लड़कों के लिए कुछ करते आए हैं और अच्छा करते आएंगे, एक दिन के लिए पोर्टल खोलेंगे
ताकि सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, अच्छे से परीक्षाएं हो जाएं और लड़कों का जो भविष्य है वो अच्छा हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे लड़कों ने मेरे को फ़ोन किया था, उड़ीसा, महाराष्ट्र, साउथ से लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तराखंड से लेकर झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के बहुत सारे लड़कों ने फ़ोन करके बोला था कि सर हमारे जो है तो सीबीटी फीस किसी टेक्निकल इशू के कारण नहीं जमा है, जिसके कारण हम परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे। भला आप ही बताइए कि हमारे क्या दोष है, जबकि हमारी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। सीबीटी परीक्षा के लिए हम जेब सेंटर में जाते हैं तो कहते हैं कि आपके प्रैक्टिकल परीक्षा किसी कारणवश, टेक्निकल कारणवश नहीं जमा है। इसलिए उन्होंने हमसे बात की, कई आज चर्चाएं हुई हैं, कई तरह हुई। जब मैंने इसमें कई डायरेक्टरों से बात करनी चाही तो उनके यहाँ के, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर ये टेक्निकल इशू आया है और पोर्टल बंद हो जाने के कारण और जो है तो नहीं हुई, जबकि पोर्टल में समस्याएं आ गई थी। ये सही बात है कि जब पोर्टल में समस्या के कारण उनकी सीबीटी भुगतान पूरा नहीं हो पाया था और अब तो पोर्टल बंद ही है, तो इसलिए मान्यवर से एक बार हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के लिए एक बार एक दिन के लिए खोल दिया जाए ताकि बच्चे परीक्षा दे सके, उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए, या फिर ये कर दिया जाए कि भाई उनका सीबीटी प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया है तो सीबीटी भी परीक्षा करने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए और परीक्षा और रिजल्ट के पहले पहले जब वो रिजल्ट जमा, पैसा जमा करे तो उनका रिजल्ट आए। ये आप पहले भी कर चुके हैं सर, आपसे मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ, 22-23 में आप ये कर चुके हैं, 21 के लास्ट से मैं उसमें हूँ तो मैंने देखा है कि आपने 21 के लास्ट में भी किया था, 22 में भी किया था, 23 में भी किया था, 24 में प्रैक्टिकल में किया था, सीबीटी भर में और देख लीजिए सर। बहुत बहुत आभार होगा और इन लड़कों की दुआएं मिलेगी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक शो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डिजिटल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों, MRP से 78% कम, सिर्फ ₹149 में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063703603 पर।